ये मध्वाचार्य पॉइंट उठा रहे हैं, तत्व को आप देखोगे इमीडिएटली आप समझ जाओगे वो तत्व है। इसलिए मध्वाचार्य एक पॉइंट ला रहे हैं वहां पे, जो आपका पहला रिएक्शन होगा वही जो पहला थॉट आएगा किसी चीज को देखकर, वही आप हो बस, और वही आपको परसीव हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आपने सपोज जैसे उदाहरण के लिए आपने सपोज क्या दूं उदाहरण, ट्यूबलाइट यानी जैसे उदाहरण के लिए आपने सपोज बहुत सुंदर चीज देखी, और तो ऐसे मान लीजिए आप तो मान लीजिए आगरा का ताजमहल देखा, तो पहला रिएक्शन क्या होता है सबका देखकर, पहला क्या होता है मुंह से क्या निकलता है, वाओ। नहीं, सभी कहते हैं, ऐसा नहीं है कोई कहता है, ऐसा नहीं है कि ताजमहल देखने का अय है, ऐसा कोई नहीं कहता, कोई भी नहीं है, सभी कहते हैं वाओ। सो इसका मतलब है ताजमहल बहुत ब्यूटीफुल है। ताजमहल की रियलिटी क्या है, ताजमहल का तत्व क्या है, सुंदरता, क्योंकि सभी का पहला रिएक्शन सुंदरता है। अब बात है कि कोई पहले देख के कहे वाओ, फिर उसके बाद सोच के रिसर्च करके कहे नहीं नहीं ये तो गंदा है, पूरा रिसर्च पेपर निकाले, वो गलत है। पहला रिएक्शन ही सब कुछ होता है, समझे। तो आपने कहीं स्त्री को देखा और पहले देखते आपको आया लस्ट, नहीं भोग कर लूँ मैं, बस आप वही, आप बाद में सोच साच के चेंज कर सकते हो, अरे नहीं शास्त्र मना कर रहे हैं ये है नहीं होना चाहिए, मगर एक्चुअली रियली में तत्व क्या है वहां पर, तत्व क्या है आपके अंदर, तत्व क्या है, प्रेम तत्व नहीं है, काम तत्व है, क्योंकि सबसे पहला वही आया है। बाद में एडजस्ट कर लो वो बात अलग है, उसकी वैल्यू नहीं होती ज्यादा, जो पहला होता है वही तत्व होता है, चाहे भावना हो चाहे चीज हो, फर्स्ट रिएक्शन। सो फर्स्ट रिएक्शन काम वासना है, तो आप में काम तत्व है, प्रेम तत्व नहीं है, काम तत्व है तो प्रेम तत्व हो ही नहीं सकता। दैट्स द होल पॉइंट, फर्स्ट थिंग, समझ गए, पहला ही आखिरी है।